हेलो एवरीवन, दिस इज मी साबिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए करंट सिचुएशन में रहते हुए या नहीं। तो ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी रीजन है जिसकी वजह से आपके मन में ख्याल आता है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप उस सिचुएशन में रीडिंग देख सकते हो। तीन पाइल्स हैं, ऑरेंज, येलो, ब्लू। आपको जो भी चूज करना आप चूज कर सकते हो टू नो द आंसर टू द क्वेश्चन कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। तो लेट्स सी, रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। इससे जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग ऑरेंज वाली पाइल से। जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज किया, लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। लेट्स सी क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। एट ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। द आंसर इज अ बिग येस ऑलरेडी। आई एम श्योर कि आप ऐसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते हैं और जिनको कार्ड्स की समझ है, पहचान है, उनके लिए तो ऑलरेडी एक क्लियर कट आंसर आ चुका है। बट जिन लोगों को नहीं पता और जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है कि ये जो कनेक्शन है आपका, जिसमें भी आप करंटली हो और जिससे आप निकलना चाह रहे हो या जानना चाह रहे हो कि क्या निकल जाना आपके लिए सही है या नहीं, तो डेफिनेटली आपके लिए सही है। ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग कभी भी नहीं रहा। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको हमेशा एक 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 लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन के साथ साथ लैक ऑफ प्यार भी फील हुआ इस कनेक्शन में पर्सन के साथ। आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि आप फुलफिल्ड नहीं हो और ये रीज़न डेफिनेटली आपके लिए गुड इनफ है टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आप ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने, मुझे लगता है कि बहुत कोशिश भी की होगी इस रिलेशनशिप को वर्क करने की, अपना पूरा एफर्ट करने की, लेकिन आपको कभी भी लगा नहीं कि एक क्लैरिटी के साथ ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। आपको हमेशा, चाहे आप इस इंसान के साथ मैरिड हो, कमिटेड हो, रिलेशनशिप में हो, किसी भी तरह के सिनेरियो में आपको कभी भी इस पर्सन ने क्लियर पिक्चर नहीं दी। और अब जब आप इस जगह पर हो जहाँ पे यू आर फीलिंग सो सो मच पेन अराउंड दिस कनेक्शन, आपको लगता है कि आपने इतना टाइम दिया, इतना प्यार किया पर्सन को, लेकिन आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिली और आगे भी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि पर्सन बदलेगा या चेंज होगा या कुछ अच्छा करेगा इस कनेक्शन में, मुझे लगता है कि आपको हमेशा आपके एंड पे एक एम्प्टीनेस फील हुई है इस कनेक्शन में रहते हुए, क्योंकि आपको आपके पर्सन का प्यार साथ नहीं मिला जैसा आप चाहते हो। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आपका इस कनेक्शन में रहना बनता है? द आंसर इज अ बिग नो। डिवाइन रियली वॉन्ट कि आप अपनी जिंदगी में इस कनेक्शन को खत्म करके इसको फर्दर ड्रैग नहीं करो। आप में से मेजोरिटी लोग आप ही हो जो इस कनेक्शन को ड्रैग कर रहे हो, आपके पर्सन की एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर। तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकालते हुए आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने ऊपर फोकस रखो, अपने ऊपर टाइम लगाओ, अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। अपना माइंडसेट अच्छा करो, अपना थॉट प्रोसेस अच्छा करो, अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपने अपने बाकी चीज़ों का ख्याल रखो, बजाय इसके कि इस कनेक्शन में अपने आप को वेस्ट करो, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी लोग इस कनेक्शन में रहते हुए इस इंसान के साथ अपने आप को वेस्ट कर रहे हैं। सो क्या आपके लिए मूव ऑन करना बेटर है राइट नाउ? द आंसर इज अ बिग यस। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बल्कि कर लेना चाहिए था बहुत टाइम पहले ही, लेकिन बिकॉज हम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, सो करंटली यस, आपके लिए मूव ऑन करना इज द राइट थिंग टू डू। और खुद के ऊपर फोकस लेकर आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हो उससे कंपैरेटिवली जो आप अपने आप को दे रहे हो इस कनेक्शन में रहते हुए। सो या, ये रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। जिन लोगों ने येलो पाइल चूज किया, लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए करंट सिचुएशन में अपने पार्टनर से। द फूल, एट ऑफ वांड्स, द हायरोफैंट। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं एक सिचुएशन बताऊंगी और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है? क्या
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, और बल्कि आपको पता है कि वो ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं. और ये भी पता है कि जो स्पेसिफिक समवन है आपकी जिंदगी में जिसके साथ आप स्टक हो, इस पर्सन के साथ आपकी चीजें वर्कआउट हो ही नहीं पा रही हैं. आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए, अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए. जो आपके पास ऑफर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, वो एक्सेप्ट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. अगर आपको राइट नाउ दिख नहीं रहा कि कौन सी ऑफर्स हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसपे आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको, आपको तो कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता है कि आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आपका सारा फोकस उस पर्सन के ऊपर है जिसके साथ आप करंटली हो, जिसके साथ आप अपने आप को स्टक रख रहे हो. इसलिए आपको जो ऑफर्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो दिख नहीं रही आते हुए. तो आपके लिए क्या मूव ऑन करना सही है करंट सिचुएशन में? द आंसर इज बिग यस, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप करंटली हो, इस पर्सन के लिए आपके दरम्यान में हमेशा कोई ना कोई रहेगा. और करंटली भी कोई है, चाहे वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो उसकी फैमिली है, चाहे आपकी फैमिली है, कुछ ना कुछ रहेगा. आप दोनों के दरम्यान में हमेशा आता रहेगा, हमेशा से रहा है और हमेशा आता रहेगा. इस सिचुएशन में आपका ये रिलेशनशिप कहीं जा रहा है? नहीं. आपको इस रिलेशनशिप से हट कर कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अगर नहीं मिल रही है या अगर आपको नहीं दिख रही है, तो मिलेगी जब आप इस इंसान से अपना फोकस हटाओगे. तब आपको दिखेगा कि वो पर्सन, वो रिलेशनशिप जो कि आगे जा सकता है, रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड कर सकता है, वो रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में एंटर होगा. तो अगर आप अपनी लव लाइफ में जल्दी मूव ऑन करना चाहते हो टूवर्ड्स हैप्पीली मैरिड वाली सिचुएशन पे, या हैप्पीली एवर आफ्टर वाली सिचुएशन पे, तो मुझे लगता है कि आपको नई ऑफर्स एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए. अगर आप इस इंसान के ऊपर चूज करते हो कि आपको स्टक रहना है, इसी इंसान का वेट करना है, तो लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक. क्या वो फ्रूटफुल रहेगा? द एम्प्रेस फ्रूटफुल रहेगा, लेकिन इट्स गोना टेक यू टाइम, बहुत ज्यादा इंतजार के बाद. 4 साल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट उसमें भी आपको जो आप चाह रहे हो मिल सकता है. लेकिन अगर आप आप ऐसे काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेडअप हो चुके हो वेट करके. यू वॉन्ट थिंग्स टू मूव ऑन. आप अपनी जिंदगी में आगे चलना चाहते हो, आप रिलेशनशिप को आगे एक नया नाम लेकर आगे चलना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है. यहाँ पर आप दोनों के दरम्यान में कुछ ब्लॉकेजेस हैं. हो सकता है उसकी मदर फिगर ब्लॉक है, हो सकता है कि एक और पर्सन जो है उसकी लाइफ में है जो कि ब्लॉक बन रहा है. लेकिन अल्टीमेटली आपकी सिचुएशन वर्क कर सकती है, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम, इट्स गोना टेक टाइम. अभी नहीं होगा, अगर आने वाले कुछ सालों में तो नहीं होगा. सो अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ो, रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओ, किसी और के साथ, और के साथ अपना घर बसाओ, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है. उसमें आपके लिए सिचुएशन जल्दी वर्कआउट हो सकती है एज कम्पेयर टू बींग विद दिस पर्सन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं. वर्क हो जाएगी सिचुएशन, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसका वेट करना चूज करते हो या नहीं. तो मैंने दोनों सिनेरियोस आपके सामने रख दिए हैं. अगर आप में से कुछ लोग वेट करना चाहते हैं 3 से 4 साल मोर, तो ये यस, आपकी इससे शादी हो सकती है, आपको मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप फेडअप हो चुके हो, अगर आप उस एनर्जी से ज्यादा अलाइंड हो, जहां पर आपको इरिटेशन हो रही है, जहां पे यू वांट कि आपके लाइफ में कुछ आगे बढ़े, तो देन आपके लिए मूव ऑन करना बेटर है. और आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आप मूव ऑन कर सकोगे. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने येलो वाला पायल चूज किया. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. और अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट जो है ब्लू वाला पॉइंट. लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, जो कि आपकी करंट सिचुएशन है. क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी चीज से. नॉट दैट ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हो तो तभी ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ वर्कआउट करने में भी स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी वर्कआउट करने में स्ट्रगल कर रहे हो. ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी है आपके आसपास. कुछ भी हो नहीं पा रहा है, कुछ भी जैसे होता है ना कि आराम से चीजें हो जाना, आराम से चीजें सेट इन टू प्लेस या फिट इन टू प्लेस, वो नहीं हो पा रहा है आपकी जिंदगी में राइट नाउ. लेट्स सी कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए करंट सिचुएशन में. टू ऑफ पेंटिकल्स आपके इनडिसाइसिवनेस की वजह से भी हो सकता है. आप खुद भी श्योर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए, आपको इंतजार करना है, आपको मूव ऑन करना है, आप कहीं ना कहीं खुद अनश्योर हो. सिचुएशन तो बात की बात आती है. अगर मैं आपसे कहूँ कि हाँ हो जाएगा, तब भी आप स्टिल कन्फ्यूज ही रहोगे, तब भी आपके माइंड में दो चीजें रहेंगी, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए. सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी है आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा है. आप कुछ भी चाहते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर जॉब चाहते हो, तो अगर आपको वो जॉब मिल रहा है, तो फिर आप सोचोगे कि क्या मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए,
चाहिए, मुझे किसी और का वेट करना चाहिए. सो देर इज दैट थिंग इन इन यू जो कि आपको डिसाइसिव नहीं होने देता है. और जब तक आप डिसाइसिव नहीं हो के आपकी जिंदगी में आपको उलझने मिलेंगी और बहुत ज्यादा मिलेंगी. सो करंट सिचुएशन में भी जहां पर आप कंफ्यूज हो गए कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, अगर मैं आपको हाँ कहती हूँ तब भी, अगर मैं आपको ना कहती हूँ तब भी, आप कंफ्यूज ही रहोगे. आप किसी भी डिसीजन को एज अ क्लियर कट डिसीजन नहीं लोगे. आप कहीं ना कहीं उसमें भी कंफ्यूज ही रहोगे. और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके लिए रुकना और मूव ऑन करना दोनों इक्वली डिस्टर्बिंग है. आप इस कनेक्शन में रहोगे तो भी डिस्टर्ब रहोगे, नहीं रहोगे तो भी डिस्टर्ब रहोगे. कि कहीं ना कहीं आपको लगता रहेगा कि अगर मैं रुक जाता तो अच्छा होता, अगर मैं नहीं अगर मैं मूव ऑन कर जाता तो अच्छा होता. तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक वो रहेगा. लेट्स ट्राई टू फिगर आउट व्हाई इज दैट सो. क्यों है ऐसा थॉट प्रोसेस आपका? व्हाई इज दैट सो? क्यों आप कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो? आप पास में से निकल नहीं पाते हो. आपके लिए ईजी नहीं है टू लेट गो ऑफ समथिंग और समवन. मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जो भी सिचुएशन है जिसमें से भी आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, इट फील्स लाइक कि जब आप मूव ऑन करने का सोचते हैं आपको उसकी अच्छी चीज़ें याद आती हैं, फिर आप वापस आते हैं फिर आपको बुरी चीज़ें याद आती हैं, तो फिर आप अच्छी चीज़ें फिर बुरी चीज़ें फिर अच्छी चीज़ें फिर बुरी चीज़ें. तो कहीं ना कहीं यू स्टे स्टक इन दैट जोन. और मुझे नहीं लगता कि आपके लिए कोई भी डिसीजन बनाना आसान है राइट नाउ. और अगर मैं जो मर्जी कह दूँ हाँ है या ना है, मूव ऑन करना बेटर है या नहीं, आपने वही करना जो आपने करना है. आप मेरी बात नहीं सुनोगे, आप मेरी बात नहीं मानोगे, एंड That is why your life is not in a very healthy state right now. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा emotionally ups and downs जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं. इसका सबसे बेहतरीन solution ये है कि पहले तो आप अपने लिए एक time निकाल कर थोड़ा meditate करो, थोड़ा contemplate करो, and then make a decision कि आप pros and cons देखो दोनों situation के. अगर आपका partner आपकी ज़िंदगी में रहता है तो क्या है, और अगर ज़िंदगी में नहीं रहता तो क्या है. और जब दोनों आपके सामने आ जाएँ और फिर आप ये देखो कि आपको अपने लाइफ पार्टनर में या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हस्बैंड वाइफ में क्या चाहिए, डिजायरेबल चीज़ें क्या हैं, फिर कंपैरिजन करो और फिर एनालिटिकल होकर थोड़ा डिसीजन ले लो. क्योंकि दिल की सुन के आप डिसीजन नहीं ले पाओगे. सो दैट्स माय ओपिनियन, दैट्स माय टिप फॉर यू कि तब आपके लिए सही डिसीजन बनाना आसान हो जाएगा. क्योंकि अदरवाइज आप कुछ भी डिसाइड नहीं करोगे, आपकी लाइफ में स्टकनेस स्टिलनेस रहेगी, एक स्टैग्नेशन रहेगी. और वो इसी वजह से रहेगी कि यू वुड बी लाइक गोइंग बैक एंड फोर्थ अपने डिसीजन को लेकर. तो आप डिसीजन नहीं बनाओगे अंटिल अनलेस आप अपने आप के लिए एक आप दिल और दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हो. आपको एक के साथ चलना है, या दिल की सुन लो या दिमाग की सुन लो. मैं आपको सजेस्ट करूँ कि दिमाग की सुनो, क्योंकि दिल की सुन के आप बार बार बैक एंड फोर्थ ही करते रहोगे. दिमाग की सुनकर थोड़ा उसको वो प्लान करके चीज़ों को जब आप करोगे तो आपके लिए निकल पाना या रुक पाना आसान हो जाएगा. सो या अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए टू मैनिफेस्ट और एनीथिंग लाइक दैट, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ताकि आपको पता चले कि कौन सी सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ. और अगर आपको लगता है कि उससे आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो या करना चाहोगे तो रीच आउट कर सकते हो. बट या ये रीडिंग आप लोगों की, जिन लोगों ने ब्लू वाला पायल चूज किया, अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.